नमस्कार, नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना क्राइम शो 100 नंबर लेकर, 100 नंबर लोगों का भरोसा है, जहां हर वारदात की दस्तक, हर अपराध के पहलू और हर खौफनाक तस्वीर का लेखा जोखा होता है, और उसी भरोसे को कायम रखते हैं हम। 100 नंबर पर करते हैं हर वारदात के पीछे छुपे गुनहगारों को बेनकाब, न केवल बेनकाब बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की भी होती है कोशिश। आज 100 नंबर में उठाएंगे पर्दा उस गुनाह से जिसके पीछे छुपे हैं अपनों के चेहरे। तो कुछ हैं समाज के गुनहगार, आपको करेंगे आगाह हर वारदात से। आप देखते रहिए 100 नंबर। उसका काम है लोगों से शादी करना, फिर पुलिस की मदद से लोगों को लूट लेना, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया। वो गई तो थी अपनी साजिशों को अंजाम देने, लेकिन खुद अपने बिछाए जाल में ऐसी फंसी कि उस लुटेरी दुल्हन का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। इस रिपोर्ट में देखिए लुटेरी दुल्हन की हकीकत। बांदा पुलिस से कुछ दिन पहले एक महिला ने लिखित में शिकायत की थी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ ज्यादती करते हैं। उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है। उसकी शादी नहीं बल्कि उसकी खरीद फरोख्त हुई है। इतना ही नहीं, उसने अपने साथ गलत काम होने की शिकायत भी की थी। मानव तस्करी से जुड़ी इस शिकायत ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। ये आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें जो पीड़िता थी उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि मेरी खरीद फरोख्त के द्वारा यहाँ पे बिक्री की गई और जबरन मेरी शादी करवा दी गई कोर्ट में और मंदिर में, और यहाँ पे जबरदस्ती मुझे रखा जा रहा है और मेरे साथ गलत काम किया जा रहा है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर ही रही थी कि एक व्यक्ति ने आकर पुलिस को महिला के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी, जिसने महिला की हकीकत को सभी के सामने ला दिया। थाने में पुलिस की हिरासत में बैठी ये महिला ही वो शख्स है जिसकी हकीकत सभी को हैरान कर रही है। हमारे कुछ बताने से पहले इस महिला की शादी का वीडियो देखिए। इस महिला की वीडियो आपने देखी, अब जरा उस शख्स का बयान भी सुन लीजिए जो कथित रूप से इस वक्त इस महिला का पति है। इतना ही नहीं, इस महिला ने जिस पर शोषण का आरोप लगाया है वो भी शख्स यही है जो इस वक्त खुद थाने में खड़ा आंसू बहा रहा है। मुझे मालूम था ये शादी शुदा पहले से, इसने बताया नहीं। जो दलाल था वो कहता भाई शादी करा लो, इतने लगेंगे अब तो हमारी गर्जू थी। हमें कहा ठीक है भाई, हमें क्या मालूम थी आज बीसी मेरे साथ होगी। कितना पैसा ले लिया? 50,000 रुपये ले लिए मेरे से। तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं है मेरे पापा। घटनात्मक प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच में एक नई चीज़ ये आई कि गिरवा से एक व्यक्ति हैं दिनेश पांडे जी, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि जो महिला इसमें पीड़िता बन के आ रही है, उस महिला ने कुछ समय पहले इनसे भी शादी की थी और शादी करने के बाद उनके घर पर रहने आई थी, कुछ दिन उनके घर पर रही भी थी और फिर 2-3-4 दिन के बाद जेवर लेके और अन्य सामान लेके अपने पति के साथ घर से वो भाग गई थी। इस संबंध में उनके द्वारा तत्समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन ये जो अभी 10 तारीख की खबर उन्होंने देखी थी उस संबंध में उनको महसूस हुआ कि ये वही लोग हैं जो हमारे साथ घटना करके गए हैं। खुल गया लुटेरी दुल्हन का राज। शिकायत करने वाली निकली लुटेरी दुल्हन। शादी कर परिवारों को लूटना है काम। खुद का बिछाया जाल पड़ गया उल्टा। सुना आपने, इस महिला के साथ कोई प्रताड़ना नहीं बल्कि ये आरोप इस महिला के वो हथियार हैं जिनके दम पर ये लोगों को लूटने का काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ये महिला दरअसल एक लुटेरी दुल्हन है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का एक गिरोह है जो छत्तीसगढ़ से संचालित किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ये लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ आती हैं और ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही होती हैं। फिर उनसे एक तय रकम लेकर पहले शादी करती हैं,
फिर उनके साथ कुछ दिनों तक रहने के बाद उनके जेवर लेकर फरार हो जाती थी, या फिर पुलिस के जरिए आरोप लगाकर जेवर और रुपयों के आधार पर समझौता कर लेती थी। पूरी जितनी जानकारी अभी तक आई है उसमें एक बड़े ग्रोह का इसमें हाथ है, जो छत्तीसगढ़ कोरबा से संचालित हो रहा है। बेसिकली वहाँ से लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को टारगेट किया जाता है जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन लोगों के यहाँ जाके उनकी पत्नी बन के रहती हैं, और कुछ समय बाद किसी विवाद के माध्यम से या पुलिस को इन्वॉल्व करने के बाद उन पर धमकी दे के उनसे धन ऐंठ के उनके जेवर वगैरह लेके चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये महिला अब तक 3 शादी कर लोगों को लूट चुकी है। अब पुलिस इस महिला के जरिए इनके गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ एक साध्वी सहित महिला का एक फर्जी पति भी हाथ लग चुका है, जो रिश्ते तलाश कर उनसे महिला की शादी करवाता था। बांदा से नेशनल वॉइस के लिए मनोज की रिपोर्ट। इससे बड़ी यूपी पुलिस की बेशर्मी और क्या होगी कि एक महिला गुंडों से घिरी मदद के लिए पुलिस को फोन करती रही, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी डायल 100 के कंट्रोल रूम ने फोन नहीं उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दबंगों ने उस महिला को जिंदा फूंक दिया। कलेजे को झकझोर देने वाली ये वारदात यूपी पुलिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचे से कम नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। आग का ये मंजर और लोगों की ये भीड़ खौफ की उस वारदात के गवाह बन रहे हैं, जिसने प्रदेश पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये महिला जो इस आग में जलकर खाक हो चुकी है, अगर पुलिस ने वक्त पर फोन उठा लिया होता तो हैवान अपनी हैवानियत में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अफसोस कि जालिम उस पर जुल्म करते रहे, वो पुलिस को फोन करती रही, लेकिन लापरवाह हो चुकी पुलिस ने फोन नहीं उठाया, जिसका अंजाम खौफ की शक्ल में सबके सामने है। दरिंदों ने महिला को घर से उठाया, सुनसान इलाके में की रेप की कोशिश, गैंगरेप में नाकाम होने पर की दरिंदगी, दरिंदों ने महिला को फूंक दिया जिंदा। जी हाँ, इस मरने वाली महिला के साथ हर वो जुल्म हो रहा था उस वक्त जब वो पुलिस को फोन कर रही थी। वारदात रात करीब 3 बजे की है। जब पुलिस का फोन नहीं लगा तो उसने अपने फुफेरे भाई को फोन किया। फोन पर वो रोती रही और सिसकियों के साथ अपनी दास्तां बताती रही। बेबस भाई भी अपनी बहन से कोसों दूर था, लिहाजा वो भी मदद नहीं कर पाया। सुबह गांव के लोगों से जानकारी मिली कि उसकी बहन की जलाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की नाकामी और दिल दहला देने वाला ये मामला संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। मेरे पास 3:30 बजे करीब फोन गया था जी। इन्होंने फोन किया रात किया था या रात? अच्छा, तो इन्होंने फोन किया, मैंने पूछा कौन, तो मैं मेगा बोल रही, काफी देर मेरे पास रोई है। फिर मैंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कि मेरे ये 4-5 लोगों ने आके बेइज्जती करी है, और बेइज्जती करने के बाद बोल रहे हैं तेरे को जिंदा जला के मारेंगे। जब इन्होंने मेरे को बात करते देख लिया, इन्होंने हमारी बहन को उठा के जिंदा जला दिया। बहन से मैंने बोला था, मैंने 100 नंबर को आपने कॉल की, तो 100 नंबर को बहन ने फ़ोन लगाया, 100 नंबर वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। पाठकपुर गाँव में महिला अपनी 5 साल की बच्ची के साथ अकेली रहती थी। उसका पति दिल्ली में मजदूरी करता है और परिवार के बाकी लोग गाँव के दूसरे घर में रहते हैं। देर रात महिला के घर पर गांव के 4 दबंग आ गए। महिला का घर गांव के बाहर होने के कारण वो मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं पाई। महिला की 5 साल की बेटी की माने तो चारों उसकी मां को रात के वक्त उठाकर ले गए। वो दहशत के कारण चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही। सुबह गांव के लोगों ने उसे बताया कि उसकी माँ की मौत हो गई है। अच्छा, कहाँ उन्हें लेगा? तुम यहीं पर लेटी नहीं? तुम यहीं लेटी नहीं? मैं तेरे द्वारा से तो हमारे इधर में सो गया, फिर द्वारा से एक अभी हमारे यहाँ भिंसने भिंसने की बहू इन्होंने बताई क्या कि तुम बच्चे अंदर कि तुम तो मरी
की लापरवाही पर उठ रहे सवालों को लेकर एसपी ने वारदात के करीब 12 घंटे बाद एक ऑडियो क्लिप जारी की, जिसके आधार पर एसपी दावा कर रहे हैं कि महिला से रेप या फिर रेप की कोशिश जैसी किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। एसपी के मुताबिक गांव के 4 या 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन पर महिला को जलाकर मारने का आरोप है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहाँ पे एक मेगा नाम की 30 वर्षीय औरत को कल रात 5 लोगों द्वारा जलाकर मारा गया। ये गांव के ही लोग हैं। इस दौरान इसका पति दिल्ली में था और वो वहीं पे मजदूरी करता है। साथ ही साथ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये रेप का प्रयास या रेप के बाद इसको जलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ये कुछ गांव के ही लोगों द्वारा ये कृत्य किया गया है, जिसमें रेप की घटना या रेप के प्रयास की घटना ये सरासर झूठी पाएगी। आपको बता दें कि पुलिस जिस ऑडियो क्लिप के जरिए रेप की कोशिश या रेप की बात से इनकार कर रही है, ये उसी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग क्लिप है जब महिला ने पुलिस का फोन न उठने पर अपने भाई से बात की थी। परिवार के दबंगों पर रेप की कोशिश के आरोप इसलिए है क्योंकि महिला का दबंगों से शुक्रवार की दोपहर में छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल गांव के चारों दबंग महिला को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करते थे। दोपहर के वक्त महिला ने विरोध किया था, जिसके बाद दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। संभल से सद्दाम हुसैन, नेशनल वॉइस। प्रदेश में बेखौफ घूम रहे बदमाश अब घरों के अंदर भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं अपराध पर लगाम लगाने की बात करने वाली यूपी पुलिस बदमाशों के आगे बेबस नजर आ रही है। बेखौफ बदमाशों ने घर में अकेली मौजूद एक महिला डॉक्टर की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी। ये वारदात पुलिस के लिए बदमाशों की खुली चुनौती से कम नहीं है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र की पौश कॉलोनी राधापुरम स्ट्रीट में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां के सेक्टर 1 में रहने वाले MBBS डॉक्टर संजीव अग्रवाल की फिजियोथेरेपिस्ट पत्नी खुशबू अग्रवाल की गला रेत कर हत्या किए जाने की खबर मिली। मामला शाम करीब 7 बजे का है, जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की जानकारी तब मिली जब पड़ोस के घर में खेल रही मृतका खुशबू की बेटी को अपनी माँ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज सुनकर पहुंची बेटी जैसे ही घर के अंदर घुसी और मां के कमरे की तरफ बढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ ही रही थी, तभी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी उसे धक्का देकर फरार हो गया। बच्ची कमरे में पहुंची तो वहां खुशबू की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। मां की हालत देखकर बच्ची चीखती हुई घर से बाहर भागी और पड़ोसियों को मामले की जानकारी दी। मेरी भतीजी जो है कांची, जिसका नाम है, और वो पड़ोस में चली गई थी खेलने के लिए। डेली का उसका यही था, तो भाभी अकेली थी यहाँ पर और भैया जो अपने क्लिनिक पे थे, उनकी चीखने की आवाज़ आई है कांची को, भतीजी को। तो पड़ोसी उन्होंने उन्हें कहा कि देख लो भाभी को क्या चीखने की आवाज़ आ रही है, क्या बात है। तो वो अंदर ऊपर गई है, ऊपर जैसी वो पहुँची है तो जो उसने भी ये कांड किया है, उसने वो धक्का दे के मेरी भतीजी को और भाग आया। लड़की आई ऊपर से, बाहर आया तो लड़की आई ऊपर से, जल्दी जाओ मम्मी को जी कर दिया, वो कर दिया और खूनी खून हो रहे हैं। 2-4 आदमी हम लोग सब निकले आए, 2-4 आदमी ऊपर गए, बोले ऊपर आके बताई नीचे कि भैया खूनी खून है वो। तो बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, जहां अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। लोगों ने मामले की जानकारी परिवार के बाकी लोगों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को वारदात की जानकारी पहुंचाई। वारदात का पता चलते ही स्थानीय पुलिस के साथ ADG आगरा जोन भी मौके पर पहुंचे। मौकाए वारदात का मुआयना करने के लिए अधिकारियों ने FSL टीम भी बुलाई। आरोपी के बारे में पुलिस ने बच्ची से बात की। इसके साथ ही पुलिस कॉलोनी में लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। करीब 7:20 पर पुलिस को सूचना मिली कि इस कॉलोनी में एक महिला का हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी, पुलिस के सारे लोग यहाँ पर आ गए। प्रथम दृष्टया लूट की घटना से मतलब ऐसा नहीं लगता कि लूट हुई है, लेकिन हम लोग सभी पहलू पे अभी उसकी गहनता से छानबीन कर रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है,
लेकिन शीघ्र ही इसमें जो दोषी है जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस को आशंका थी कि लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन घर के अंदर लूट के एक भी निशान नहीं मिले हैं। महिला की हत्या गर्दन पर पीछे की तरफ से धारदार हथियार से वार कर की गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े किए ही हैं, साथ ही पौश कॉलोनी की सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। मथुरा से सौरभ, नेशनल वॉइस। उस मासूम की उम्र बेशक 7 साल की थी, लेकिन उसे अच्छे और बुरे का फर्क पता था। एक दिन उस मासूम ने घर के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसका वो राजदार बन चुका था, लेकिन उस मासूम को शायद ये नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी खतरे से गुजर रही है। एक दिन वो किसी के साथ आम खाने गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। दो दिन पहले शामली पुलिस को आम के बाग में एक 7 साल के मासूम की लाश मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस की तफ्तीश में सामने आया था कि मरने वाले मासूम का नाम समीर है। समीर की हत्या को अंजाम देने वाले शख्स ने पहले उसकी गला दबाकर हत्या की थी, फिर दरिंदे ने उसके कलाई की नस काट दी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान पता चला कि समीर रेलपार इलाके के रहने वाले फिरोज का बेटा है। लाश की शिनाख्त होने के बाद अब पुलिस के सामने हत्या की वजह तलाशना एक बड़ी चुनौती थी। 7 साल के बच्चा समीर सनाफ फिरोज, इनकी डेड बॉडी रेल पार कॉलोनी से लगभग 300-400 मीटर दूरी के शुगर कैन फील्ड में गन्ने के खेत में मिला था। 10 तारीख को सुबह की बात है, जिसमें उनके डेड बॉडी में उनके गर्दन में जो रस्सी बंधा हुआ था और कलाई में चाकू की निशान चोट था, रिस्ट काटे गए थे। अवैध संबंधों की बलि चढ़ा मासूम। अपहरण के बाद मासूम की हत्या। मासूम की मां के थे पड़ोसी से संबंध। मासूम जानता था अपनी मां के करतूत। तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम को बहुत जल्द पहला सुराग हाथ लगा। पुलिस को जानकारी मिली कि समीर 2 दिन पहले अपने घर के बाहर से खेलते वक्त अचानक से गायब हो गया था। इसके लिए समीर के परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला था। 2 दिन बाद उसकी लाश मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण और मर्डर की धाराओं में बदल दिया। तफ्तीश के दौरान ही पुलिस को जानकारी हुई कि मरने वाले समीर के घर के पड़ोस में एक अजय नाम का शख्स रहता है, जिसका समीर के घर अक्सर आना जाना होता था। जब पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई कि समीर की हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है। बच्चा 9 तारीख को सुबह 9:30-10 के बीच में घर से गायब हो गया था, घर से बाहर खेल रहा था, घर के बाहर वहीं से गायब हो गया था और पूरा दिन और रात ढूंढा गया था, लड़का नहीं मिला। उसी क्रम में कुछ अन्य जो फिजिकल एविडेंस के आधार पर उस बच्चे की जो घर के पड़ोसी है, पास में जो रहता है, फिर अजय, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आए अजय ने बताया कि करीब 7-8 महीनों से उसके संबंध समीर की मां से थे। वो दोनों अक्सर चोरी छिपे मिला करते थे। कुछ दिन पहले सुबह के वक्त समीर ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद से उसे डर था कि मासूम अपने पिता को सब कुछ बता देगा। इसी डर के कारण अजय ने मासूम समीर को आम खिलाने के बहाने खेतों में ले जाकर उसके हाथों की नसें काट दी और गले में उसके कैफरी के नाड़े से फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से आला एकत्र और उसकी शर्ट जिस पर खून के निशान लगे थे बरामद किया है। पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि इनकी अवैध संबंध मृतक बच्चे की मां के साथ था।
इनके अवैध संबंध बनाते हुए बच्चे ने देख लिया सुबह सुबह, ये 7-8 दिन पहले की बात है। तो इन लोगों की डर ये था कि बच्चा कहीं अपने पिता को ना बता दे, इस वजह से बदनामी ना हो। इस मामला को शांत करने के लिए अजय ने इस बच्चे को प्लान्ड वे में अपहरण करके इसको गला दबा के फिर इनका कलाई काट कर इनका हत्या किया है। कहते हैं गुनाह कभी भी छिपाए नहीं छिपता, फिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो। पहले तो समीर की माँ और अजय गुनाह कर रहे थे, जिसकी जानकारी समीर को हो गई थी। फिर अजय ने दोनों के गुनाह को छिपाने के लिए एक और गुनाह कर डाला, लेकिन अजय का अंजाम भी वही हुआ जो हर गुनहगार का होता है। फिलहाल पुलिस अब इस वारदात में समीर की माँ की भूमिका की भी जाँच कर रही है। शामली से नेशनल वॉइस के लिए पंकज मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में बच्चियों से बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का कानून बनाने की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी में सरकार को स्कूली छात्राओं को मनचलों से बचाने के लिए एस्कॉर्ट से घर छोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बढ़ रही नाबालिगों के साथ रेप की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पहल कर रही है। प्रदेश के सीएम ने नाबालिगों से रेप के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की बात कही है। एक तरफ सरकार का महिला सुरक्षा के लिए सख्ती से उठाया जाने वाला कदम है, तो इसके दूसरे पहलू में देहरादून का राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज भी है। यहाँ की छात्राओं को शहीदों की दहशत के साए में स्कूल जाना पड़ता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग की सचिव भूपेंद्र कौर ने सचिवालय के नजदीक के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जाकर छात्राओं से बात की। संवाद के दौरान छात्राओं ने उन्हें बताया कि स्कूल आने जाने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें रास्ते में शहीदों की छेड़खानी सबसे बड़ी दिक्कत है। इस वजह से छात्राओं को स्कूल के अलावा भी घर से बाहर निकलने में डर लगता है। इसकी वजह से कई छात्राओं ने ट्यूशन जाना तक छोड़ दिया है। बिल्कुल माहौल भी ख़राब है। जो मेरी फ्रेंड है उसकी साइड का भी माहौल ख़राब है। उसने भी मैम से बात की थी, मैम ने उन्हें बोला भी था कि हम कुछ काम करेंगे गार्डन का। जब उसे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता और वो उसके वजह से ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाती, उसका मन भी बहुत रहता है ट्यूशन पढ़ने का, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट इतना बेकार है कि सर वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। छात्राओं के आरोपों के बाद शिक्षा विभाग की सचिव भी हैरान रह गई। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से इस मामले को लेकर बात की और छात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। सचिव ने छात्राओं की समस्याओं को लेकर शासन को भी एक पत्र लिखा। स्कूल की प्रिंसिपल के मुताबिक कुछ छात्राएं दूर से आती हैं और उनके घर के आसपास का माहौल ठीक न होने की वजह से उन्हें स्कूल में आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब शिक्षा विभाग छेड़खानी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था कर रहा है, जो छात्राओं को लाने और ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था भी की जा रही है। माननीय शिक्षा सचिव 10 तारीख को विद्यालय में आई थी, उन्होंने संवाद स्थापित किया छात्राओं के साथ। बच्चे ये बताना चाह रहे थे कि जो उनकी लोकेलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, जो उनका परिवेश है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिससे कि उनको कभी कभी ऐसी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता है कि वो थोड़ा सा डरती हैं आने में। हैरानी की बात है कि उत्तराखंड में ये व्यवस्था पहली बार शुरू हो रही है और ये सब मनचलों की वजह से है। इस बारे में जब हमने राज्य सरकार के प्रवक्ता और सरकार में मंत्री मदन कौशिक से बात की तो पहले तो वो बात को घुमाने लगे, लेकिन बाद में उनका कहना था कि राज्य सरकार सुरक्षा के लिए ये सब कर रही है। लेकिन मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि राज्य में इतने हालात क्यों बिगड़ गए कि शिक्षा विभाग को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहीं से कोई कंप्लेन आती है तो तत्काल अधिकारी स्तर या कहीं भी उस पर कार्रवाई हो, ये सरकार की कहीं ना कहीं निर्देशित अधिकारियों को रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये निर्देश भी सरकार की तरफ से हैं, और कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी रूप में हो उनको किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा।
वहीं प्रदेश में महिलाओं और नाबालिगों से रेप के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले 3-4 सालों में बलात्कार की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। 2015 में जहां 272 महिलाओं और 35 नाबालिगों के साथ रेप हुआ, वहीं 2016 में यह संख्या बढ़ गई। 2016 में 327 महिलाओं और 35 नाबालिगों के साथ रेप हुआ। 2017 में 286 महिलाओं और 55 नाबालिगों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई। वहीं 2018 मई तक 44 महिलाओं और 3 युवतियों के साथ रेप के मामले दर्ज हुए। इन वारदातों से साफ है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत बदतर है, जिसकी वजह से प्रदेश में शहीदों और मनचलों के हौसले बुलंदियों पर हैं। यही वजह है कि शिक्षा विभाग तक को शहीदों से छात्राओं की सुरक्षा करने के लिए एस्कॉर्ट बनाना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया ने छेड़खानी और रेप की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नाबालिगों से रेप के आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात भी कही है। देहरादून से आशीष श्रमूला, नेशनल वॉइस। सौ नंबर पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और चेहरों को करेंगे बेनकाब, सामने लाएंगे गुनाह की कुछ और तस्वीरें। तब तक आप रहिए सतर्क और सुरक्षित। जय हिंद।